22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया, इसके कारण बिहार प्रदेश कार्य समिति एक बार भी आज अगस्त आने के बावजूद नहीं हो सकी थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 22 और 23 को बिहार प्रदेश कार्य समिति होने जा रही है। यह वर्चुअल माध्यम से ही होगी और यह पहली कार्य समिति है जिसको हमें वर्चुअल माध्यम से करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बाकी सभी कार्य समिति के सदस्य, सभी मंत्री, सांसदगण, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, यह सब वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कल 2 बजे दिन से प्रदेश कार्य समिति शुरू होगी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का संबोधन वर्चुअल माध्यम के द्वारा होगा और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी श्री बी एल संतोष जी भी वर्चुअल माध्यम के द्वारा कल जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का समापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जी के 23 अगस्त को 11 बजे दिन में समारोह भाषण से होगा। और यह हमारी विस्तारित कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति है, क्योंकि चुनाव से पहले की यह कार्य समिति है, इसके बाद जब भी चुनाव हो पर प्रदेश कार्य समिति नहीं हो पाएगी, इसलिए भाजपा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति है। और वर्चुअल माध्यम से ही हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 76 लाख कार्यकर्ता बिहार में मौजूद हैं, उन सभी को हम संदेश देने का काम करेंगे। यह तय करना चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव आयोग खुद समझे, अभी कराएं, बाद में कराएं, यह चुनाव आयोग का कार्य है। इस पर एक राजनीतिक दल का ओपिनियन हम सबों ने दे दिया है, पर इस पर टिप्पणी करना एक स्वायत्त शासी संस्थान के कार्य पर इंटरफेयर करने के जैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कोई मैटर नहीं करता है, चुनाव आयोग जब भी कराए। हमारा संगठन मार्च से पहले बन के तैयार था और जो परिस्थितियां जैसी बनेंगी, चुनाव आयोग जो फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से साथ। जाहिर बात है जनता पहले, और चुनाव आयोग भी जो है वह इसी समाज का हिस्सा है, वह कहीं बाहर का नहीं है, और वह जनता की अपेक्षा जो चीज़ें हो रही हैं उन सभी को देखते हुए वह निर्णय करेगा। पर मैं या कोई भी राजनीतिक दल कौन होता है जो चुनाव आयोग को यह बताए कि चुनाव कब होंगे और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका हक किसी व्यक्ति को नहीं है। यह संविधान द्वारा पूर्णतः स्वायत्त शासी इकाई है और चुनाव आयोग सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है, वरना वाल्मीकि नगर का तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं फिर भी अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां 6 महीने पूरे हो चुके हैं, हमारा अप्रैल में था विधान परिषद ड्यू, आज तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की। भाजपा ने तो कभी नहीं पूछा कि आप अप्रैल में आपका चुनाव था, आपने क्यों नहीं कराया। चुनाव आयोग जब भी फैसला करेगी, जो विधान परिषद के हमारे अभी 9 सीट बाकी हैं, उसके अलावा वाल्मीकि नगर का चुनाव बाकी है और बिहार का चुनाव बाकी है, जब भी चुनाव आयोग फैसला करेगा हम उसके साथ।